पुलवामा में विस्फोट करने की आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल ईद विस्फोट कराने की आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। निशाने पर थे CRPF के 400 जवान। कार को सुरक्षा कर्मियों के काफिले से टकराने की थी योजना। 45 किलोग्राम ID को समय रहित निष्क्रिय किया गया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने मिलकर CRPF के एक काफिले को उड़ाने की साजिश रची थी। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत 9वें स्थान पर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 158,333 तक जा पहुंची। वहीं मरने वालों की संख्या 4,331 के करीब हो चुकी है और पूरे देश भर में करीब 23 लाख लोग क्वारंटीन में हैं। लद्दाख मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन ने ट्रंप को दिखाया आईना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यह फैसला भारत और चीन को ही करना है कि लद्दाख के मुद्दे और सीमा विवाद के विभिन्न मुद्दों को लेकर मध्यस्थता कराने के लिए उन्हें कोई चाहिए या नहीं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत ने ठुकराई ट्रंप की पेशकश। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आई मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया। घर पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। प्रवासी मजदूरों का यात्रा खर्च वहन करे राज्य। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशन पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में हुई परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात और बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किए हैं। चीन की संसद में हांगकांग सुरक्षा विधेयक पास। चीन की संसद ने कल हांगकांग के लिए नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी। इससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती है। चीन के इस कदम से हांगकांग में प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने गुरुवार को कहा कि COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% घट सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।